أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم इस्लामी मालूमाती वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दुनिया के मोमिन मुसलमान भाइयों को हमारा सलाम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। सवाल, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान कुरैश की किस शाख से ताल्लुक रखता था? जवाब, बनी हाशम। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सन ईस्वी में पैदा हुए? जवाब, 20 अप्रैल 571 ईस्वी। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन पैदा हुए? जवाब, सोमवार वाले दिन। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के किस महल्ले में पैदा हुए? जवाब, सूकुल लैल। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के वक़्त दाया कौन थी? जवाब, शफा। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम बताएं? वहब बिन अब्दुल मुनाफ। सवाल, हलीमा सादिया का तल्लक किस कबीला से था? जवाब, बनु असद। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा सादिया के सपुर्द किस लिए किया गया? जवाब, खालिस अरबी सीखने के लिए और खुली हवा में परवरिश पाने के लिए। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आया का नाम क्या था? जवाब, उम्मे अमन। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी औरतों ने दूध पिलाया? जवाब, 8। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहमद नाम किसने रखा? जवाब, हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। प्यारे दोस्तों, इन प्यारी दीनी मालूमात को आगे अपने वालदैन, रिश्तेदारों, अजीज़ों, अकारब के तमाम मोमिन मुसलमान भाइयों के साथ शेयर लाजमी करें। अल्लाह पाक की ज़ात हमें दीन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। आमीन या रब्बल आलमीन।